तो गाइस बात करें जापान की एक मूवी के बारे में जो कि एक हॉरर थ्रिलर मूवी है जिसका नाम इंद्रभूषण है। तो देखो कहानी जो शुरू होती है एक मर्डर सीन से होता है जहां पर एक शख्स एक लेडी को मार देता है जिसकी उम्र 18 साल होती है और हमारा हीरो नोबरू उसी केस को हैंडल करने के लिए जाता है क्योंकि वो एक ऑफिसर होता है। वहां पर जाने के बाद उसे उसका ही एक बटन मिलता है और उस सोच में पड़ जाता है कि मेरा जैकेट का बटन वहां पर क्या कर रहा है। जब वो रात को उस जगह पर आता है उस बटन को लेने के लिए, लेकिन तभी वहां पर वो लड़की भी नोबरू को देख रही होती है जो कि मर चुकी होती है और उसी का केस जो है नोबरू देख रहा होता है। अब क्या है वजह, नोबरू के जो बटन है वो वहां पर क्या कर रहा था और लड़की जो मर चुकी है नोबरू के ही पीछा क्यों कर रही है और सारे सबूत भी जो है नोबरू के तरफ ही इशारा करते हैं कि इसी ने मर्डर किया है। लेकिन उनके जो ऑफिसर साथी होते हैं वो हंसकर मजाक उड़ाकर इग्नोर कर देते हैं क्योंकि नोबरू की आदत होती है कोई भी क्राइम सीन पर जाने के बाद वो ग्लव्स इस्तेमाल नहीं करता, तो उसे उन लोगों को लगता है कि ये नोबरू ने नहीं किया। तो क्या है कहानी, क्या है जो ये पहेली है नोबरू ने खून किया है या वो लड़की उसके पीछे क्यों पड़ी है, ये सभी जो है ना आपको दिमाग घुमा कर रख देगी। लेकिन मूवी देखोगे तो ये कहानी खुलती जाएगी और ये एक घुमा देने वाली हॉरर थ्रिलर मूवी है। तो ऐसी मूवी आप देखना पसंद करते हो तो आप इस जाकर देख सकते हो। तो बात करेंगे गाइस दूसरी मूवी के बारे में जिसका नाम है ओपन वाटर। तो ओपन वाटर में एक कपल होता है जो घूमने का फैसला करते हैं और वो समुद्र किनारे जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसा उनके साथ हो जाता है कि वो समुद्र के बीच में फंस जाते हैं और मदद के इंतजार में रह जाते हैं। लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात है कि वो मदद का इंतजार तो कर रहे हैं लेकिन उनकी मुश्किलें तब बढ़ जाती है जब उन्हें शार्क नजर आती है अपने आसपास घूमते हुए। तो आखिरकार उनका क्या होने वाला है शार्क, जब मदद आएगी उससे पहले तक वो जिंदा रह पाएंगे और जिंदा रहने के लिए वो क्या क्या करेंगे, ये सभी चीजें आपको इस मूवी में देखने के लिए मिलेगी। तो अगर आप शार्क मूवी के फैन हो और शार्क मूवी देखना पसंद करते हो तो आप इस मूवी को जाकर एंजॉय कर सकते हो। दोनों के दोनों मूवी जो है आपको हिंदी में देखने के लिए मिल जाएगी। तो खैर मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में, बाय।